हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो प्लेयर्स टू। आज हम बात करेंगे कि पोकेमोन स्वॉर्ड एंड सील एपिसोड 22 के टीचर में जो दो इम्पोर्टेंट सीज जो आप तो देखी तो है लेकिन आपको समझ में नहीं आया, तो उसी पे बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात वो है कि रोबोट इवॉल्व होने वाला है। हाँ, इवॉल्व होने वाला है, क्योंकि देखो गो उसे कह रहा था कि इवॉल्व नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, उसे गुस्सा आ रहा था। मतलब वो सोच रहा था कि मेरे बिना कुछ भी नहीं रह रहा है, मतलब कि उसे लग रहा है कि ये इवॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, वो मेरे बिना खुश नहीं रह रहा, मेरे साथ खुश नहीं रह रहा है, मुझसे नफरत कर रहा है, ये सोच रहा है। तो इसका मतलब है कि लास्ट में जब मतलब एपिसोड ख़त्म होते होते शायद वो इवॉल्व हो जाएगा। मुझे लगा इस एपिसोड में नहीं तो वो अगले एपिसोड में पक्का इवॉल्व होगा, मुझे लगता है, क्योंकि वो बोल भी रहा था। देखा अगर आप मतलब सब टाइटल के साथ अगर वो ट्रेलर देखा होगा तो आपको पता होगा। और दूसरी एक चीज़ है कि एक मिस्टीरियस पोकेमोन दिखाया जाता है, मतलब कि उसके बारे में अभी तक कोई बताया नहीं है, सिर्फ उसका एक चेहरा दिखाया है। तो मुझे लगता है कि वो गो पकड़ने वाला है। देखो अगर वो इवॉल्व नहीं होता है और वो उसे मतलब गो क्या सोच रहा है कि वो मेरे बिना भी खुश रह सकता है, मतलब कि वो उसे सोच सकता है। एपिसोड का नाम भी शायद यही है, गुड बाय रोबोट। तो मुझे लगता है कि वो उसे पकड़ लेगा, बिकॉज देखो अगर कोई एक पोकेमोन जाता है तो गो को एक पोकेमोन चाहिए होगा। अच्छा, तो वो मिस्टीरियस पोकेमोन हो सकता है, या फिर जैसे देखो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि देखो अगर आप पहले एपिसोड देखते होगे, पहले के एपिसोड में तो जिगली पप कैसे आती थी, वैसा भी पोकेमोन हो सकता है, मतलब उनके पीछे पीछे घूमे, मतलब ऐसा ऐसा मतलब हो सकता है कि मतलब वो पोकेमोन जिगली पप की तरह ही हो कोई, तो ये भी हो सकता है। तो बस ये दो मेन चीज थी जो शायद आपने पोकेमोन में देखी होगी लेकिन आपको पता ना हो सके। ये एपिसोड 22 में दिखा भी सकते हैं और एपिसोड 23 में दिखाएंगे, ये दो एपिसोड में दोनों चीज़ देखना रिवील कर सकते हैं। तो बस वीडियो को यही रखते हैं ख़त्म, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।